आज ना मन्ने घड़ी देर हो गया, छोटे रास्ते से ही चला जाता हूं। राम राम से बुआ। ओ, आज 250 ग्राम मत देना, आधा किलो डाल दे। के बात से कोई आ रखा के? अरे कभी जरा ढीली लागे से। देख के तो ना लाग रहा, ये बाल काले करा के तो बिल्कुल ना लाग रहा। क्यों हो गया बुआ? अच्छा लगे? ठीक से चल दूध ला। वो आज 3 महीने पूरे हुए ना, हफ्ता ऊपर हो गया, ऐसे मिलेंगे खड़ी तंगी चल रही। क्यों हो गया? कुछ मत पूछ बेटा, बेटा अचानक तबीयत खराब हो जाती है, उम्र बढ़ रही है ना। हाँ और मुया, मेरी जगह तेरी अम्मा होती तो क्या उससे भी पैसे मांगता? बोल ना। हाँ तो दे से बाद में दे दीजिए। ठीक से जाना, तेरी बहन से ज्यादा दूध दे। उल्लू का पट्टा। पूरा चौधरी साहब मैनू कह रहा, अक ना खून ना कपड़े, सब खत्म, कोई निशानी तक ना मिली छोटे रास्ते पे। अरे रहन दे यार, थोती बकवास है। बैम पाल रखा है तुम लोगों ने कालजे में। जब आंखों के ऊपर डर का चश्मा चढ़ जाता है ना, तो सुसरी रस्सी भी सांप नजर आती है, समझा नहीं? राम राम चौधरी साहब। बारे दांत तो गणे काट रहे हो, इस दांतों में मंजन करया कि नहीं करया, नाया धोया कि नहीं, पूछ तो सरी। दातुन क्या नाया, अरे दाढ़ी बनाई है, सब करके आया ऊपर से नीचे से रामवीर चौधरी साहब। राम के? के बोला? सवेरे सवेरे चौधरी साहब का नाम लेता है, ना जात ना औकात। अब खड़िया क्या है, दूध वाला है मिलो तो जा दूध दे भाई। अरे सपना दूध ले इससे, चले जा। अरे बेटा जरा चौकी तरह दाव यार। शकल तो दिखा दे, दिखा दे। अरे बाढ़ तो आज हमारी सोच रही है। बावड़ा
हो गए के? बावड़ा ना हूं तो के करूं? भाई इतनी प्यारी बताए सपना तुमने देखना मेरे दिल में सुसु उठना पलसन लगे। बापू ने देख लिया ना तो सारे बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, सारे कनेक्शन गाड़ गए, यहीं गाड़ देगा तुमने। ए तेरे बापू के ना मैं किसी दिन तो सपना सुन गरम है खा लेना बलबीर जी इच्छा ये दीपते फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है आंखें हैं तेरी तो लीना है कि इनमें मन ने बिठा के ले जाएगा अब जा अच्छा चल एक शर्त पे जाओ के क्या चाहे हैं हमको मिली रे रे सुन तो मिले मेरी जूती तो जाए मेरा जूता अच्छा बापू के सामने तो अलग सूख जाता है यहाँ अकेला गाड़ रहा है आप आ जाऊंगी अब यहाँ निकल फौरन से पहले चल पहले तू सुन अपने बापू का लड़ना किसी और ने दियो अच्छा जाके बुला ले अपने चौधरी में लो बुला पक्का रे बुला ना बापू आ गई दूध ले लिया सुन शाम को आ जाओ टाइम से चाचा पूरा वीरपुर खाली हो गया चौधरी साहब अब हमारी बारी है और आप सिर्फ व्यापार के बारे में सोच रहे हैं ना रे कोरे व्यापार धंधे की बात ना है सरपंच हूँ गांव का एक कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है तेरी तरी ना है उठाया लट चल दिए गांव में कितनी कूट गिरा किसी को भी है भाई मेरी बात समझ कुछ जानवर हो सके है? कुछ चोर डकैत हो सके चौधरी साहब मैं भी कुछ कौन सू उठो तो जानवर होता तो खाल कंकाल कुछ तो मिलता कुछ मिला को नहीं आदमी इस तरह गायब होने लग रहे हैं जिस तरह गधिया के सर से सींग अरे चौधरी साहब मैं तो नू कहूं खुद ही चल के देख लो छोटे रास्ते पे पर अगर तुमने रास्ता बंद ना करा दिया छोटे वाला तो मेरा नाम भी सतवीर नहीं है लटगाड़ के बलबीर इतारे बेटा आजा 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 बैठ 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 बलबीर बेटा तू तो छोटे रास्ते से आना जाना करता है ना 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 चौधरी साहब मैं तो लंबा रास्ता ही नू ओके के वर्जिश भी हो जावे और एक तो आदत सी पड़ गई वर्जिश बढ़िया बात है पर अब आदत बदल ले अब तू छोटे रास्ते से ही आना जाना कर तो भाई निगरानी रख छोटे रास्ते की है? आज से छोटे रास्ते की निगरानी की जिम्मेदारी बलबीर की क्या रहे किसकी इसकी भाई देख कौन आ रहा कित जा रहा के कर रहा है जा जा तो मैं चलो नजर रखिए हाँ बल्ली 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 क्या कह रहे
मुझे किसी और के बाव में गिर गई ना तो झेल ना पाऊंगा मैं। क्या बात से? ठीक से तू? मलिक कोई है यहाँ पे? कोई है? है? अरे थारे सामने यो 6 फुट का हट्टा कट्टा आदमी खड़ा है जो थारे साथ है और हमेशा भी रहेगा। छोड़, तू ये बता इतनी देर से क्यों आया? देख बल्ली, मुझे ना तेरी दुल्हन बनना है, तू बता कब आएगा बापू से बात करने? रे जो अभी चला गया ना थारे बापू के पास तो हमारा ब्याह ना उड़ देगा वो, क्योंकि मारी ना जात है और ना औकात। तू दिल छोटा ना कर, जब औकात बदले ना तो दुनिया जात भूल जा रही है। तने बेरहना मैंने कितने सारे लोगों से पैसा लेना है, साड़ा कोई बखत पे पैसे ना देवे है। बस एक बार मारे पैसे वापस आ जाए ना फिर और गैया खरीद के ना और पैसे कमाऊंगा और फिर डेयरी खोलूंगा। के खोलेगा? अरे डेयरी फार्म, मतलब देख वैसे खेत बिना वहां 7-8 गैया होगी, उन्हें सफाई कराई जाएगी, वही धोया जाएगा, उसके गोबर साइड पे 7-8 बंदे बनाएंगे, इधर इधर इस तरफ ना दूध निकाला जाएगा और इधर इधर और 8 लोग। बस कर, मेरे छोड़ तो इधर और 8 लोग ना मक्खन निकालेंगे और फिर जाऊंगा थारे बापू के पास अपनी इस सोच रही है का हाथ मांगने। बस सपना ही देखता रही हूँ, तो यहाँ दूध बेचता रह जाएगा और तेरी ये सोच रही है ना उड़ जाएगी किसी और घोंसले के लिए। बल्ली बापू मेरा ब्याह किसी और से करा दे। रे ऐसे कैसे करा देगो? अच्छा मुंह मत फुला। सुन बल्ली, जो कुछ भी तेरे पास है ना वो बहुत है मेरे लिए। सारे बापू के लिए काफी ना है ना, तो जो अभी हमारा ब्याह हो गया ना तो तू भी दूध वाली बन के रह जाएगी। बस मैंने थोड़ा सा वक्त और दे दे। देखना बल्ली ज्यादा देर ना हो जाए। मेरे साथ बगल वाले गांव की डेयरी देखने चलेगी? बल्ली अंधेरा होने वाला है, मैं चलती हूँ। अरे रुकना। आओ! ए, ए, एक के तू भी ना। अब बल्ली। अच्छा खड़ी हो, खड़ी हो, आराम से खड़ी हो। बताने घर छोड़ू चल। बल्ली मेरा घर गांव के दूसरे छोर पर और तेरा गांव से बाहर, तुझे घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। अरे मैं छोटे रास्ते से घर चला जाऊंगा, तू परेशान ना हो चल। छोटा रास्ता? तू छोटे रास्ते से नहीं जाएगा। तुझे पता है रात में क्या हुआ? ना खाल मिली ना कंकाल, तू छोटे रास्ते से नहीं जाएगा। बड़ी बात भेजे में कि ना? चल 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 ख्याल रखियो अपना। तू भी। अच्छा सुन, अपना डेयरी फार्म खोलने के बाद जब तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बढ़ जाएगा ना तो भी बदली हो ना। कभी ना, मम्मी तो है। ए, अरे आराम से जाइयो। एक बार फिर सोच ले, छोटे रास्ते ही जाऊंगा। तुम्हारी प्यारी दुलारी सोच लिया, तुम्हारे होने वाले ससुर जी ना
पहली बार मन ने कुछ काम कहा है और वो भी इतनी इज्जत और प्यार से कहा है। तो मारे सपना का सवाल है, मारे प्यार का। चले आ गया। दूध किसने बनाया? याद रख, जो हमारी बात मानेगा तो सब कुछ पाएगा, जात भी औकात भी। और किसी को कुछ बताया तो पत्थर का हो जाएगा। अरे बुआ, क्या है? घनी जरूरत से आज पैसे दे दे। रोज रोज पैसे पेटता रहता है, नहीं देती पैसे, क्या कर लेगा तू? पर बुआ, मत मांग। आज के बाद कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे। ए बल्ली, क्या करन लागे तू? हाँ, इधर उधर क्या ताक रहे? जा ना। अब जा और पीछे मुड़कर मत देखियो। पता है ना तुझे क्या करना है? ना कुछ देख ना कुछ सुन, जो पता है किसी को ना बता, वरना शर्त याद है ना? बलबीर भाई, एक ढोल ते दूध के चार ढोल होगे, दो भैंसिया ते चार भैंस होगी, और गांव वाले सारे अपने आप आके तेरे पीछे देगी। भाई क्यों करवाया बता ना। अरे छोड़ना, फिर कभी बताऊं। भाई बताना, दोस्त नहीं है। अरे सब बाबा की मेहर है यार। बाबा? हाँ। किधर है बाबा? अरे वो छोटे रास्ते पे रह रहे, क्या जावेगा तू? छोटा रास्ता? हाँ जाऊंगा मैं, बता छोटे रास्ते पे। कित बताना भाई। अरे वो जो छोटे रास्ते पे पेड़ है ना, हाँ, हाँ। उसके बगल पे ही बैठे, जाके हाथ जोड़ना पड़े। तू भाई
गोलूर गोलू की माँ तने दुआ देवेंगी। मैं जाऊं भाई, मैं यो गया। रे 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 राजेश, गोलू की मेरी लाडो, ला रावणा थार ले चारा, क्यों इतना चीख रही है? बल्ली भैया, लालू बुआ के पैसे लो। लालू बुआ ठीक से ना? रे कित जा रहा, जवाब तो दे जा। भाई को ढूंढने, कल रात से वो घर ना आया, पूरे गांव में छान मार लिया पर वो कहीं ना मिला, और बलबीर को भी ना पता कि भाई कहाँ चला गया। ये बलबीर को कैसे पता होगा तेरा भाई किधर है? कल रात उन दोनों ने मन्नू हलवाई की दुकान पर साथ में जलेबी खाई थी। बलबीर ने कहा उसके बाद भाई घर निकल गया, पर वो तो घर आया ही नहीं सपना। कुछ नहीं होता, मिल जाएगा। पहले यार, ओ मैया सपने में आई थी, बोली कि बलबीर की मेहनत के पीछे है, बस भाई मैं तो चला आया यार। चल भाई, राम राम। राम राम। क्या तू यहाँ कर रहा है? अरे बलबीर के पीछे देने आया हूँ मैं। सोनानी लल्लू बुआ के साथ क्या हुआ? इब कौन खतरा मोल? बलबीर के साथ जो बुरा करे वो तो तू ना लठ मारता रह जियो। तू जा यार। बलबीर, ले भैया थारे पैसे रख ले। सोन चरिया, अब तक तो कुछ ना दे पाए ना तुमने, लेकिन अब देख। क्या आप अंदर नहीं आएंगे? पता है एक ही सपना था मारा, आई तो बैठ कि थारा यो घूंघट हटे और मैं अपनी प्यारी सोचे रही खाना चेहरा देखो। अपना चेहरा तो दिखा दे, घूंघट ने तो हटा दे। याद रख, जो हमारी बात मानेगा तो सब कुछ पाएगा, जात भी औकात भी। मत मांग, आज के बाद कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे। बल्ली, बल्ली, सपना
यहाँ क्या कर रही है? तने ढूंढती हुआ है तो ठीक से क्या हो गया तने? अरे ठीक से। अच्छा एक बात बता, उस रात को तू राधा के भाई के साथ था? ना। तुम दोनों ने जलेबी खाई थी मन्नू की दुकान पे। रितु तू काहे परेशान हो रही है? ये कहीं गया होगा आसपास, आ जाएगा अपने आप। एक बात बता बल्ली, तेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से? सारा गांव तेरे पैसे मारता था, अब अचानक से सब भीड़ लगा के खड़े रहते हैं कि बलबीर भाई पैसे ले लो, बलबीर भाई पैसे ले लो। क्यों क्यों ये कहते हैं कि अगर वो तेरे पैसे नहीं देते तो उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है? तो कैसी बातें करने लग रही है? तो जब पूरी दुनिया मैंने ठेंगा दिखाती थी तब ठीक था मैं थारे लिए, जो मैं चार पैसे कमाने लग रहा हूँ तो तने मिर्ची क्यों लग रही है? और क्यों जानना है तने कि वो मारे पैसे दे रहे हैं या किसी से डर रहे हैं? मारे हक के पैसे हैं ना वो, और उन्हीं हक के पैसे से लाया था थारे लिए। राखी सुने और पहन लियो। कौन है तू? तू मेरा बल्ली नहीं हो सकता, तू बदल गया है। ये ले, तेरी बाली पायल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे बस मेरा बल्ली चाहिए। एक ही सपना था हमारा कि मैं अपना पूरा जीवन तेरे साथ बिताऊं, सुख दुख के सारे मौसम तेरे साथ काटूं, पर तूने तूने कब अपने से अलग कर दिया पता ही नहीं चला बल्ली। क्यों सपना मैंने गलत ना समझ, तुम्हारे से अलग ना है। तुम्हें सच जानना है ना? ठीक से मैं तुम्हें सच बताऊंगा, सच ही है कि और किसी को कुछ बताया तो पत्थर का हो जाएगा। बल्ली बल्ली क्या हुआ? बल्ली बल्ली तू ठीक से? बल्ली सपना बोल। बल्ली सच ही है कि दिमाग में गंद भर रखा है, और आज के बाद तू मारे से किसी और के बारे में सवाल ना करेगी, समझ गई? जा जा यहां से। रे जाना ठीक से। तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है बल्ली, ये नहीं पता के, और मैं पता जरूर लगा के रहूंगी। बातें करें, कहीं कोई टोटका हो गया तेरे पे? छोड़ का
बुआ सच क्या है मन्ने बता। सुनो मर जाएंगे। कौन मरेगा बुआ? सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। कौन मारेगा? छोटा रास्ता। ए राधा, कितने थी तू? कब से ढूंढ रहा हूं थारे को, कुछ बताना है? तू शाम को मन्ने छोटे रास्ते के मोड़ पे मिल, सब सच सामने आ जाएगा। कैसा सच? अरे थारा भाई कित गया है वो पता चल जाएगा। तो मन्ने सूर्य ढलने के बाद छोटे रास्ते के मोड़ पे मिल, समझ गई? भाई सतबीर जी, बात सुन यार, कोई ना कोई तोड़ तोड़ निकालना पड़ेगा। ये पानी तो ससुराल सर से ऊपर जान लग पड़ा यार। सपना, 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 सपना बारा, बहुत जरूरी बात करनी से। सपना चौधरी साहब, रहा क्या कर रहा था? अरे सपना, सपना क्या कर रहा था? सपना से क्या लेना देना तेरा? चौधरी साहब, मैं और सपना एक दूसरे से प्रेम करे हैं। के बोल जा रहा तू? के बोलना लाग रहा है दूधिया? प्रेम कर रहे? प्रेम करेगा मेरी छोरी से, प्रेम करेगा? औकात क्या है तेरी? चौधरी साहब एक तो औकात है और पैसे भी हमारे पास। मैं डेरी खोलूंगा और सपना ने बहुत खुश रखूंगा चौधरी साहब। पर अभी मैं उस बारे में बात न करने आया। अभी जो गांव में हो रहा है ना उस बारे में बात करो और सपना ने सब बेरा चौधरी साहब। मैं जानू गांव में क्या हो रहा है, सब तेरा किया धरा है। गांव में जो डर का आतंक है तेरी वजह से है। जादू टोना जानता है तू? बस अब मैं सब खत्म कर दूंगा। सुनो रे, पकड़ लो इसे, बांध दो अंदर। और सुनो, ज्यादा बकवास करे तो जमीन में काट दो। चौधरी साहब, गांव में मौत नाच रही है, लोग एक के बाद एक गायब हो रहे। चौधरी साहब हमारा यकीन करो, गांव ने बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैंने छोटा रास्ता बंद कर दो, मैंने जान दो चौधरी साहब। चुप, एक लपस नहीं, नहीं तो गर्दन उड़ा दूंगा तेरी। एक लपस ले, बांध जा रहा ले जा अंदर। चौधरी साहब बात सुन लो, गलत कर रहे हो चौधरी साहब, पछताओगे। पंचायत बुलानी पड़ेगी। बांध रहा हूँ। अरे झाड़ दो, मैंने तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अरे चुप हो जा। अरे झाड़ दो, क्या कर रहा है तू? मैं छोड़ दे सर, बता रुक मार जाओगे सर। तू ध्यान रखे, मैं सपना देख के आ रहा हूँ। तेरा खेल खत्म, इब खुलेगी तेरी कलाई। कौन मरेगा बुआ? सब मर जाएंगे। कौन मारेगा? हाँ भाई हाँ, मान रहा हूँ, मैं भी तो मान रहा हूँ कि गांव में कोई न कोई तो गड़बड़ हो रही है, पर घबराने से क्या फायदा, घबराओ मत। राम राम रामवीर चौधरी साहब। देखा चौधरी साहब, मैंने बोला था कुछ तो गड़बड़ है, देख लो अब। तो भी कांड हो रहा है ना? 100% बलबीर का हाथ है। तने भी लागे? और नहीं तो के? भाई पीछे कहां सारे इसके पास? सपना, सपना, मैं तुझसे ही मिलने आ रही थी। तुझे पता है भाई का पता चल गया है? हाँ,
पूरा गांव कहता है जो भी छोटे रास्ते पर हो रहा है वो बलबीर करा रहा है, पर मैं तो ये बिल्कुल नहीं मानती। वो तो मुझे आज मेरे भाई से मिलवाने ले चलेगा। मिलवाएगा? कहाँ? छोटे रास्ते वाले मोड़ पे। छोटे रास्ते वाले मोड़ पे? हाँ, मैं अम्मा पापा को बता के आती हूँ। बल्ली का छोटे रास्ते से क्या रिश्ता है? आखिर मुझसे क्या छुपा रहा है बल्ली? मैंने खुद छोटे रास्ते पर जाकर पता लगाना होगा। भाई, भाई, क्या हो गया? मन्नत रोकने की बहुत कोशिश की, सपड़ा गया छोटे रास्ते की तरफ। रे मारी जाएगी सपड़ा, रे तीर चुड़ैले है छोटे रास्ते पे। चुड़ैले? छोटे रास्ते पे तीर चुड़ैले। देख लो अपनी आंखों से। अरे ये शराब है उचड़े लो का। अरे जान दो, मारी सपना मारी जाएगी, जान दो मने। चौधरी साहब के बोलेंगे हम। अरे जो ये कौन अब बच्चे का तो चौधरी के करेगा। क्या करना है? अरे वो चुड़ैले या गांव में आ तो सके हैं, पर अपना शिकार सिर्फ छोटे रास्ते पे करे हैं। हमारी सपना मारी जाएगी, जान दो मने। इस सपना ने बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो मैं। आगे मत बढ़ियो, चुड़ैल है यो तीनों। ठीक से मैंने जिंदा छोड़ने के लिए इन्होंने हमारे साथ एक सौदा किया था, पर मुझे गांव के लोगों को ना इनके पास भेजना पड़ता था। बल्ली, तू? की करता सपना, तो इनका भेद मैं किसी ने दे देता ना, तो देख पत्थर बढ़ जाता। इसलिए मैंने तन्ने वो बात पहले ना बताई, प्यार को पाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए ना उसके जाल में फंसता चला गया। बली, बली ये क्या किया तुमने? आज के बाद मैं यह छोटा रास्ता ही बंद कर दूंगा। आज के बाद मारे इस गांव को और थारे कोना चिड़ैलों से कोई खतरा ना होगा। मैंने क्या किया तूने? मैं तुमने बहुत प्यार करूं सपना। <laughs>
जो हो सके मैंने माफ कर दिया। अपनी जान दे दी।